एक बार की बात है, किसी जंगल में एक बकरी रहती थी। बकरी का नाम टीना था। टीना बहुत गुस्सेल बकरी थी। वह अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी और छोटी छोटी बातों पर बहुत चिढ़ जाती थी। इसीलिए जंगल के जानवरों को सदैव उससे कम ही बनती थी। लेकिन टीना केवल अपने बच्चे के साथ अकेली रहती थी, क्योंकि उसके झुंड से बाहर निकाल दिया था। इसका कारण भी उसका गुस्सा ही था। इसी घटना के कारण समस्त दूसरी बकरियों से टीना को ईर्ष्या होने लगी। टीना ने सभी बकरियों से बदला लेने की ठान ली। वह बाकी बकरियों के खिलाफ एक साजिश रचती है। वह अगले ही दिन एक भेड़िए के पास जाती है और कहती है, हे भेड़िए राज, मेरा प्रणाम स्वीकार करे। भेड़िया बहुत भूखा था। पहले तो वह बहुत खुश हुआ और बकरी पर हमला करने का विचार कर लेता है, लेकिन फिर भी वह बकरी से एक बार पूछ लेता है, कहो वैसे कैसे आना हुआ। तभी बकरी बोली, राजन मैं तो आपकी ही भले के लिए यहाँ आई हूँ। तभी भेड़िया बोला, अच्छा ऐसी कौन से मकसद लेकर यहाँ आई हो तुम। तभी बकरी कहती है, मैं आपको कई दिनों के भोजन का प्रबंधन करा सकती हूँ। तभी भेड़िया बोला, भला वो कैसे। तब बकरी उससे कहती है कि जंगल में रहने वाली बकरियों के झुंड के सभी गुप्त रास्ते मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी पहले उसी झुंड का हिस्सा थी और यह सभी रास्ते मैं आपको बता सकती हूँ। तब भेड़िया बोला, लेकिन इससे तुम्हें क्या फायदा। तभी बकरी बोली, मुझे उन सभी से बस बदला लेना है, यही मेरा आखिरी मकसद है। तब भेड़िया बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद मैं पूरा करूँगा। और वह बकरी से सभी रास्ते के बारे में जान लेता है और बकरी वहाँ से चली जाती है। भेड़िया बकरी के बताए अनुसार गुप्त रास्तों से जाकर धीरे धीरे सभी बकरियों को मारकर महीनों तक दावत उठाता रहा। और 2 महीने के बाद जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो बकरी उसके पास जाती है और भेड़िए से बोली, राजन कैसा लगा मेरा उपहार। तभी भेड़िया बोला, मुझे ये बहुत पसंद आया। और बोली, इसलिए मैं तुम्हें भी एक उपहार देना चाहता हूँ, तुमने मेरी बहुत मदद की है। बकरी बोली, कैसा उपहार। तब भेड़िया बोला, पहले तो भेड़िया थोड़ी देर हंसता है और फिर बकरी को जवाब देता है, तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मकसद पूरा करूँगा, अब मैंने उसे पूरा कर दिया। अब तुम्हारा जब आखिरी मकसद पूरा हो ही गया है तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी का क्या मतलब। और तभी बकरी भाग पाती। उससे पहले भेड़िया उस बकरी पर हमला कर देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इस तरह मूर्ख बकरी अपनी ईर्ष्या की भावना के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई।